केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूर्ण होने पर देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं खरगोन जिले के बड़वाह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए मेडिकल सामग्री का वितरण किया। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाह में भी भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर के नेतृत्व एवं कार्यक्रम प्रभारी पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी के मार्गदर्शन में रविवार को सर्वप्रथम शासकीय अस्पताल में एंटीबायोटिक टेबलेट और ऑक्सीजन मीटर, मास्क सहित अन्य सामग्री BMO राजेंद्र मिमरोट की उपस्थिति में भेंट की गई। जबकि नगर में लगने वाले हाथ ठेले व्यापारियों को कोरोना महामारी की रोकथाम के मद्देनज़र मास्क वितरित किए गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नगर मंडल पदाधिकारियों द्वारा थाना परिसर के बाहर अटल उद्यान बगीचे में पौधारोपण किया। साथ ही जयस्तंभ चौराहे के समीप राहगीरों को ग्लूकोज पिलाकर गर्मी से राहत दी गई। वहीं रविवार को पत्रकार दिवस होने के उपलक्ष्य में नगर मंडल सदस्यों द्वारा पत्रकार सदस्यों को पेन और डायरी भेंट कर सम्मान किया गया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके दूसरे कार्यकाल का दूसरा वर्ष पूर्ण हुआ है, इसी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई प्रकल्पों द्वारा कई आयोजन किए गए। जिन कार्यक्रमों में सर्वप्रथम तो हमने शासकीय हॉस्पिटल में कोविड की मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट्स, अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई, जिसमें ऑक्सीजन के मीटर हैं, BP की मशीनें हैं और कोविड संबंधित कुछ दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स। इसके बाद में हमने जो बाज़ार में ठेले वाले हैं उनको मास्क वितरण किया। अटल उद्यान में हमने पौधारोपण किया और अभी हम मुख्य चौराहे पे ग्लूकोज का वितरण करवा रहे हैं और शाम 7 बजे हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाएंगे। इस प्रकार के कई प्रकल्पों को लेके आज मोदी जी का दूसरा कार्यकाल हमने उत्साहपूर्ण मनाया। भैया, मंडल ने कोई एक आदेश करा है कि वोट सेंटर बढ़ाया जाए, वैक्सीन को लेकर क्या मामला? हाँ, अभी काफ़ी युवाओं में उत्साह है उसको देखते हुए, लेकिन थोड़ा सा वैक्सीनेशन का अभाव है, इसको देखते हुए हमने ऊपर की हमारी बात रखी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सभी ने बात रखी कि थोड़ा सा वैक्सीनेशन का डोज बढ़ाया जाए।